Hello, good afternoon students. This is Anil. Welcome back to Sunil Classes. So today we are going to continue a new chapter of 10th English, right? So the chapter name is The Villagers. Okay? So pilamane, I hope tumhe samasta badhiya se bujhibo. To chalo bartaman start kardaba amra new patho. Bahut badhiya patho re maja asibo, but amo concentration li bujhibar achi. Thik achi? Okay. एनुए पिले द विलेजर्स विलेजर्स माने कौन गाम विचारपति नहीं ठीक अच्छे चलो मु एडे लिखी छे भल से बुझिबा मेडो पिले द विलेजर्स ओके विलेजर्स बिफोर यू रीड द फर्स्ट टाइम पढ़िबा गाम विचारपति ऊपर एक्चुअली बेसिकली ये गल्पटा बहुत बढ़िया गल्पटा हमको मजा आसीबो एंड एनीवे ए गल्पर कौन आम दुटा बहुत बड़ भल भल दुटा बंधु विषय गल्पटा अच्छी बढ़िया इंटरेस्टिंग गल्पटा बस आमको टे कनसेट्रेसन बुझार अच्छे आउ हार्ड वर्ड गुड को प्राक्टिस करार अच्छे ओके ठीक अच्छे बिफोर यू रीड टा बर्तमान स्टार्ट करवा डू यू समटाइम्स फाइट विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर तुमने कौन तुम भाई आउ भी सहित कह फाइट कर डेफिनेटली करते हो यहाँ गोटे कौन गोटे कथा कि निश्चित भाव में आम कर व्हाट डू यू गो टू सेटल विथ क्वेरल एक्चुअली से क्वेरल मैं झगड़े सेटल होगापी तुम्हें कौटि को जाओ सेटल मैंने कौन बचापी झगड़ा जो होता है क्वेरल मैंने हूँ झगड़ा ठीक अच्छे क्वेरल व्हाय डू पीपुल्स गो टू द जज जदि घर तो झगड़ा है आम फादर कि मदर हेल्प नौ अदरवैज जब बाहर झगड़ा किसी हुए तो कौटी जाते पुलिस स्टेशन हेल्प नौ ना जज विचारपति जाऊँगी तो लोक मैंने विचारपति मान कहीं जाऊँगी व्हाय डू People go to the judge. Okay. तीन नंबर आमर कौन अच्छी Do you know about the village punch? Punch मैंने पिले हूँ one kind of पंचायत ठीक अच्छे तो तुम्हें मैंने जान कि पंचायत विषय में हाँ आम मैंने तो समस्त जानते Can you tell the class what you know? Okay. Can you tell the class what you know? Okay. तो ये कही तुम्हें पंचायत विषय बेसिकली पे ये पंचायत कौन ना पंचायत आग कौन होता है बर्तमान तो होनी तो पंचायत ये पंचायत नुह आगे कौन होता है पंचायत में एमती चार जन पाँच जन अराउंड फाइव मेम्बर्स कौन थे बहुत मेन लोक थे पाँच जन गाँव किसी भी इश्यूस है तो से जिन कंडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे से डिसीजन जोड़ा थी लास्ट डिसीजन थी से वन काइंड ऑफ जज ओके तो चार नंबर कौन अच्छे द लिटिल द टाइटल ऑफ द स्टोरी यू आर गोइंग टू द रीड द विलेजर्स डू यू थिंक इट विल बी ए स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप और एनमिटी एक्चुअली कही तुम भाई पार्छ कि फ्रेंडशिप स्टोरी जो पढ़ाई दौरान द विलेज जज में गोटे भल बंधुता उपर थी ना गोटे भल एनिमिटी मैंने गोटे शत्रुता उपर थी ठीक अच्छे तो चलो एनिवे आम पाठ को स्टार्ट करवा पार्ट वन ओके ठीक अच्छे जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर ग्रेट फ्रेंड्स एक्चुअली ग्रेट फ्रेंड्स मैंने बेस्ट फ्रेंड्स ओके तो जुम्मन आउ अलगू ये दिज हूँ बहुत शेख आउ चौधरी ये दिज जुम्मन चौधरी आ अलगू चौधरी जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी हूँ गोटे भल बंधुता अच्छे बिकज एम होंगे गोटे गोटे ग्रेट फ्रेंड्स अच्छे रिलेसन बेस्ट फ्रेंड एम इच ट्रस्टेड द अदर्स कम्प्लीटली जड़े जन कम्प्लीटली भरोसा करती ट्रस्ट करती जमुन शेख हैड एन ओल्ड आंट एक्चुअली जमुन पाखे कौन थी ना गोटे ओल्ड आंटी गोटे थे आंटी मैंने तुम्हें मौसी कहीपर माई कहीपर विभिन्न तुम जोटा भी कहपर बट आंटी तक किसी आईडेंटिफाई कराए कि आंटी ठीक अच्छे कितना गोटे गोटे वृद्ध आंटी गोटे थे सी हेड ए स्मल पीस अफ प्रपर्टी प्रपर्टर अर्थ पे ये कौन प्रपर्टर अर्थ एक्चुअली संपत्ति बट ए जगार प्रपर्टर अर्थ संपत्ति नहीं प्रपर्टर अर्थ किसी लैंड कि जगह ठीक अच्छे से आंटी पाखे कौन थी किसी छोटिया पीस अफ प्रपर्टी थी ओके जमुन हैड परसुएड परसुएड रे मिनिंग हूँ पर्वतवा जमुन मैंने कौन करुला पर्वतवा कौन पर्वतला हाउ टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिज नेम जमुन कौन करुला जो ग्रांड आंटी थी से आंटी को प्रवर्ता से संपत्ति गुड़ाक ना को ट्रांसफर करने ठीक अच्छे ट्रांसफर मान कौन पर मानने आई ठीक अच्छे अगर जगह आउ गए जान कि ट्रांसफर कर ठीक अच्छे बस प्रपर्टा ना को करने सो लंग एज इट व्वाज नट डन कि बहुत दिन पर्यटन यहाँ है सॉरी सो लॉन्ग एज इट वाज नॉट डन जो पर्यंत एटा हेई नथिला द आंट हैड बीन ट्रीटेड विथ ग्रेट काइंडनेस से आंटी को केमिति ट्रीट करथुला ट्रीट माने कोन पिले व्यवहार से केमिति व्यवहार करथुला काइंडनेस दयापूर्वक व्यवहार करथुला ठीक अछि एंड रिस्पेक्ट और सम्मान दथुला जो पर्यंत काम होनथुला से पर्यंत आंटी को तार माइंड रे मेंटालिटी तार कोन थिला
ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ କେମିତି ତାର ଆଣ୍ଟିରୁ ତା ନିଜ ନାଗରିକ ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷଟା ପସିବିଲିଟି ଆସିନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟିକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲା, ଓକେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦେଖୁଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁଥିଲା ଆଣ୍ଟି ପ୍ରତି। ବଟ୍ ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ୱାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲି, ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ୱାଜ୍ ଭେନିସ୍ଡ, ସବୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ତାର ସବୁ ସେ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରେମ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଭେନିସ୍ ହେଇଗଲା। ଭେନିସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ବା ଉଭେଇ ଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜମୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ କରିମା। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମେ କେତେ ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେଣି, ଗୋଟେ ଜମୁନ୍ ଶେଖ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ, ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲେ, ତା ଜମୁନ୍ ର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଯୋଉ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆସୁଛି ଜମୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍, ଲେଖାହେଲେ ଜମୁନ୍ ର କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା କରିମନ୍। ବିକମ୍ ହର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଉଡ୍, ହର୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠୁର, ରିଉଡ୍ ମାନେ ରାଗିଲା ରାଗିଲା ବେଳେ ଅଭଦ୍ର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉଭୟ ଗଲା ବା ସେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଉଭୟ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କରିମା ଆଉ ଜମୁନ୍ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ, ବା ଅଭଦ୍ର ବି କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଆଣ୍ଟ ବୋର୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠୁର ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ତାଙ୍କେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବଟ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଆଣ୍ଟ ବୋର୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍, ବୋର୍ ମାନେ ସହିଯିବା ବା ସହିଗଲେ, କିଛି ଦିନ ସହିଗଲେ ଆଣ୍ଟି ସହିଗଲେ କିଛି ଜିନିଷ। ବଟ୍ ୱେନ୍ ସି କୁଡ୍ ବିୟର୍ ଇଟ୍ ନୋ ମୋର୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବିୟର୍ କରିପାରିଲେନି ବା ଅସହ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲା ବା ଶୁଣିପାରିଲେନି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଜମୁନ୍, ସେ ଜମୁନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଏଇଟା ସୁନ୍ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଏଇଟା ସନ୍, ଓକେ ସନ୍ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଗୋ ଅନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଏନିମୋର୍, ବୋଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଏନି ୱାନ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ମନି, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଗୋ ଅନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଏନିମୋର୍, ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଓକେ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଗୋ ଅନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଏନିମୋର୍, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ନୋ ମୋର୍ ଏନିମୋର୍ ମାନେ ମୁଁ ଜମା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ୟୁ ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ମନି, ତୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, ଆଇ ସେଲ୍ କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେପରେଟଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ରୋଷେଇ କରିବି ସେପାରେଟଲି ଆଉ ଖାଇବି ସେପାରେଟଲି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବିନି, ବିକଜ୍ ତୁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁ ବହୁତ ପାର୍ସାଲିଟି ୱେର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ରୁଡ଼ଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତୋ ୱାଇଫ୍ର ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ସୋ ମୁଁ ଏସବୁ ଏନିମୋର୍ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, ତୋ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେ, ମୋତେ ଅଲଗା ରଖିଦେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁ ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ମନି, ତୁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେବା ଉଚିତ, ଆଇ ସାଲ୍ କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେପାରେଟଲି, ତ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଲଗା ଖାଇବି ଆଉ ଅଲଗା ରହିବି, ସେପାରେଟଲି ମାନେ କ'ଣ, ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା। ତ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଏଇଠି, ଜମୁନ୍ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ରୁଡ୍ଲି, ଜମୁନ୍ ରୁଡ୍ଲି ମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ରାଗିକି କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା, ମନି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଟ୍ରିସ୍ ହିୟର, ଗ୍ରୋ ମାନେ ବଢ଼ିବା, ଏଇଠି ପଇସାର ଗଛ ଲାଗିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପଇସାର ଗଛରେ ଫଳୁନି, କିଏ କହିଲେ, ଜମୁନ୍ କହିଲା, କାହାକୁ, ତା ଆଣ୍ଟିକୁ ଏମିତି କହିଲା ଏଗ୍ରେସିଭଲି। ଦ ଆଣ୍ଟ ଗ୍ରୁ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ରାଗିବା ବଢ଼ିଗଲା, ବଢ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ରାଗି କ'ଣ, ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କହିଲେ, ସି ଥ୍ରେଟେନ୍, ଥ୍ରେଟେନ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ପିଲେ ଧମକାଇବା, ସି ଥ୍ରେଟେନ୍ ଟୁ କଲ୍ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ତାକୁ ଡରେଇଲେ, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡାକିବି, ଯଦି ତୁ ଏମିତି କହିବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡାକିବି। ଜମୁନ୍ ସେଇଟ୍ ସଟନ୍ଲି ହାଭ୍ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ, ୟେସ୍ ଅଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡାକି ପାର, ସଟେନ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡାକିପାର, କିଏ କହିଲା, ଜମୁନ୍ କହିଲା ତା ଆଣ୍ଟିକୁ। ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍, ମୋତେ ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ଆଇ ହେଟ୍ ଦେର୍ ଡେଲି କ୍ୱେରିଲ୍ସ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, କ୍ୱେରିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଝଗଡ଼ା, ମୁଁ ଏ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛି, ସୋ ତମେ ତମେ କ'ଣ କରିପାର, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡାକିପାର। ପିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଗଳ୍ପଟା, ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଲେଖିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫର୍ ସେଭରାଲ୍ ଡେଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ୱିମେନ୍ ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ହର୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେଭରାଲ୍ ଡେଜ୍ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଦ ଓଲ୍ଡ ୱିମେନ୍ ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍, ସେ ବୃଦ୍ଧାଟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ମହିଳାଟା ବା ଆଣ୍ଟିଟା ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ହର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ହର୍, ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେ ତା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କେ ଯାଉଥିଲେ ବା ଗାଁ ଗାଁ ତାଙ୍କେ ବୁଲୁଥିଲେ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକ୍, ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ହାତ ଏମିତି ଥରିବ ନା, ସୋ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି,
फरवर्ड सपोर्टर ताको के सपोर्ट करबाय ताके बुलुथिले बे लोकमानको कहुथिले कोन कहुथिले मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट हियर टू स्टोरी ऑफ द पुअर वुमेन से जेते चेष्टा करथिले मध्ये लोकमाने अधिकांश अधिकांश लोकमाने जम्मा सुनु ही नथिले ताको कथा विथ केयर एंड अटेंशन जत्न और ध्यान सहित केही सुनु नथिले एंड डिड नॉट ऑफर हर एनी कंफर्ट कंफर्ट माने आश्वासन मध्ये ताको केही दउ नथिले प्रदान करउ नथिले after making her rounds माने गोटे राउंड मारला परे okay she came at last to अलगु चौधरी से सर कोडी गासले अलगु चौधरी पाक गासले पिला अलगु चौधरी के म कहितली हमरा जमुन शेख आ अलगु चौधरी दिन बेस्ट फ्रेंड थिले मन पडला तो फाइनली आंटी जेतु का रीजन का प्रति आके माने डिसअपॉइंट हेचो आंटी डिसअपॉइंट जमुन प्रति जमुनार सब प्रॉपर्टी नेगरी लास्ट को बॉयकॉट कर दे आंटू को माने भलो से ट्रीट करूनी जतन नउनी इरिटेशन कथाबार्ता करूची राइट सो एक क्षेत्र आंटी बहुत प्रॉब्लम फेस करछन जेतु वृद्ध हो गेलनी ताको जस्टिस दरकार सो ताके का पको आस्तले गांड जाको बुलीले हेल्प मांगे पई परिसर जेतु केही ताको हेल्प पलेनी ताको परिसर ताके ता फ्रेंड पको ही आसले ता फ्रेंड के थिला अलगु चौधरी थिला ठीक अछि सी थ्री हर स्टिक से तार थ्री कर दे स्टिक को स्टिक को फोपाड़ दे आंटी जो माने अलगु चौधरी पाक आसी कहले वेटर फॉर अ व्हाइल टू रिगेन हर ब्रेथ एंड सेड जो नहीं नहीं जेतु माने हल्ले मारिक आसले निश्वास प्रश्वास ताके टिके वेट करके टिके हल्ले मारले तापर ब्रेथ भल से निश्वास प्रश्वास लेला पर कहले सन माने कहले पुओ यू ऑल्सो सुड कम टू माई पंचायत फर ए सर्ट व्हाइल तू तथे मो पंचायत को आसबार अच्छे टी समय तू भी प्लीज मो पंचायत को टी आसवा उचित सुड मान मैंने गोटे कहुचाई ओके यू सुड कम टू माई पंचायत फर ए सर्ट व्हाइल मुझे पंचायत गाँव में बसुची तू मत से पंचायत को आसबू अलगू कौन कहला आई कैन कम मैंने तुम सहित आसीपरि अलॉन्ग विथ यू मैंने तुम सहित आसीपरि बट आई शाल नॉट ओपन माय माउथ देयर किंतु मो पार्टी को सेड ओपन करबी नै मु धीरे ही सेड छिड़ा हेबी साइलेंट रूप रे आंटी कहले व्हाई सन काहे के पुत्र काहे के पुओ अलगो पण कला जमुन इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन माइन माने मोर ओइटे ठीक अछि जमुन होछि मोर बहुत भलो विश्वस्त बंधु आ से होछि मोर बहुत पुराना संग आई कैन नॉट क्वेरल विथ यू मैं ता सहित झगड़ा करपरबी नै जदि सेड तुम सपोर्ट रे किछ भाले से तुम से झगड़ा करबो मोर एत दिन स्ट्रंग फ्रेंडसीप कौन जीव लस्ट जीव सो मुझे तुम सहित झगड़ा करी सहित कौन प्रकार क्वेरल करी कहले सन विल यू हेजिटेट टू से हनेस्ट थिंग तू कौन द्वंद्व अनुभव करू किए तू किसी प्रोब्लेम अनुभव करचु किसी भल कथ साधु कथ हनेस्ट मानते साधु कथ किसी भल कथ कह तू भी द्वंद्व अनुभव करू जो भूल से पारे बिकज यू फियर ए क्वेरल कारण तू क्वेरल मार से झगड़ा हो बोली तू एमती करचु कि ठीक अच्छे भयभीत रोचु कि अलगु हैड नो रिप्लाय कितु ये समय भितर अलगुर कौन सी प्रकार रिप्लाय आसला ना टू गिव हिज क्वेश्चंस ऑफ द ओल्ड मैन से झील मैंने से स्त्री लोक को कौन सी प्रकार रिप्लाय देखे कौन प्रकार रिप्लाय देखें कौन प्रकार आंसर जेनेट है हृदय ठीक अच्छे बट और वर्ड्स कंटिन्यू टू इको इन हिज हार्ट किंतु सर जो किसी वर्ड जो आंटी जो वर्ड थी कौन वर्ड थी विल यू हेजिटेट टू से हनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर ए क्वेरल तू कौन मान झगड़ा करवा भय तू हनेस्ट थिंग को भूली जीव कि तू गोटे सतु साधु कथ जो जिन रियालीटी जोटा जो जिन रियल जेन्युन जिन एगेन्स्ट तू भी लड़ी पार्नु कि तो फ्रेंड बोली तू सब ए जिनटा माइंड को कौन है धीरे धीरे इको कला प्रतिनिधित्व सृष्टि कला बॉडी भितर ठीक अच्छे बट वर्ड्स कंटिन्यू टू इको इन हिज हार्ट द हार्ट भितर कंटिन्यूटली प्रतिनिधित्व कर स्टार्ट करा विल यू हेजिटेट टू पहले सॉरी गला एडा एक्चुअली सर जाइए से लाइन टाइम एडा रिपीट है एनीवे आम पार्ट वन सर जाइए पार्ट वन बहुत बढ़िया सांग थे दिन बहुत बंधुता बहुत बढ़िया बंधु थे परिशेष जी थे अलग जो फ्रेंड थे से कौन करते ना जमुन कौन करते ना आंटी सहित आंटी संपद ना से बहुत बढ़िया से रेस्पेक्ट करते प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए सी आपको कौन कला इग्नोर करवा आरंभ करदे बहुत निष्ठुर कथबार्ता कह आरंभ करदे परिशेष आंटी कौन कले गाँ पंचायत करे कहे से कहे हाउ ठीक अच्छे पंचायत कर दि अलग मैंने जमुन रमी निष्पत्ति परिशेष से अलग पाखक आसते गाँव को बुले बुले लोक कहते जो पंचायत में पार्टिसिपेट करूँ किसी किसी जिन आप रायर रिक्वयरमेंट अच्छे सो एनिवे कहीं मतलब शुणु नते बट लास्ट कौन होता है ना अलगुर हेल्प नहीं थे परिशेष अलगू आम कौन कर अलगु मत डिनाए कर देता से कथा को बट एंडिंग मोमेंट रे अलगू कौन कर हार्ट को किसी जिनस प्रतिध्वनि सृष्टि करती सरी जाए पिले आम क्वेश्चन आंसर आज डिस्कसन करदे
ठीक अच्छे क्वेश्चन आंसर करदे तो कंप्रेसन चेक को प्रथम पांच क्वेश्चन को डिस्कसन करदे बहुत बढ़िया से आने सब जिन परीक्षा लिखी पार कि असुविधा ना जो आठ भल भी मिलूँ से लिखी पार बट एटलिस्ट आम बुझीजे एक्चुअली एगुटा क्वेश्चन आंसर गुड़ा बढ़िया से बुझा हु आर द मेन कैरेक्टर हियर कह मेन कैरेक्टर पिले किए अच्छे द मेन कैरेक्टर हियर आर जमुन शेख हिज वाइफ द ओल्ड आंट एंड अलगु चौधरी चार कैरेक्टर आम बढ़िया से बुझाई आई होप तुमको बुझे पड़ो ना सेकेंड नंबर टा देखा हाउ डिड जमुन एंड हिज वाइफ ट्रीट हिज आंट व्वेन सी हायड हर प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नहीं जाते वाइफ आउ जमुन रो प्रकार बिहेवियर थी आंटी सहित व्वेन जमुन एंड ट्रांसफर अल द प्रॉपर्टी टू जमुन वाइफ दे सडनली ट्रीटेड रूडली अभद्र व्यवहार करने आरंभ कर देते एंड जमुन एंड हिज वाइफ दे ट्रीटेड हर हर्सली हर्सली मैंने बहुत मानते खराब भाव में निष्ठुर भाव में व्यवहार करने आरंभ कर देते ठीक अच्छे तीन नंबर टा पिले शुण तीन नंबर टा कौन व्हाई डिड देयर बिहेवियर चेंज बिहेवियर कहीं चेंज हो गला जमुन एंड हिज वाइफ वेरी ग्रीडी एक्चुअली मैंने दे वेर ग्रीडी मैंने बहुत लोभी थे एंड दे वांट आंटीज प्रॉपर्टी चाहूते आंटीर सब संपत्ति को नहीं जाए सब से जगह गुड़ाक नहीं जावाक चाहूते दे ट्रीटेड हर वेल बहुत बढ़िया से व्यवहार करते अंटिल हिज ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी संपत्ति जो पर्यंत ट्रांसफर ना से बहुत बढ़िया से ट्रीट करते their behavior suddenly changed tanko byabar hatat pariwartan hoithila they started to treat her rudely because their missions of having the property was accomplished ekko mission thila kon property ko transport paribar se property to transport etre tanke finally tankar aunting ro sab katha ko deny kar ke tanke ignore paribar arambha kar deithile thik achi to char number amar kon achi bile what did the aunt decide to do aunti kon karthile decide karbaku who did she finally go to tanke कोड़ी जीवा को फाइनली डिसाइड करते द आंटी कुड नॉट स्टैंड द इल ट्रीटमेंट ऑफ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ से कौन से प्रकार खराब माने हमरो कौन करते स्टैंड कर पार नथिले जो नेफ्यू आउ तंगो वाइफ प्रति ओके से कौन से प्रकार स्टेप नहीं पार नथिले स्टैंड हो पार नथिले सी डिसाइड टू गो पंचायत फाइनली जेहेतु स्टेप नहीं स्टैंड हो पारे माने अपोजिट रिप्लाई देवा आरंभ कर देते सो फाइनाली कौन करते पंचायत एंड रिजल्व द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को रिजल्व करके चाहते ठीक अच्छे ये टाइपिंग मिस्टेक कर देखे लिखिदेव आईटे कौन फाइनाली कौटे पहुंचे अलगू सहित एंड फाइनाली सी वाज हिज मीट सी वाज मीट विथ अलगू चौधरी राइट एंड सी टेलिंग देम द ऑल प्रॉब्लम्स ओके एंड ऑल सिनेरियो व्हाट वाज हैपेनिंग सब जिन कहते जिन गुड़ाक तुम टेस्ट लिखाई थोड़ा टेस्ट पेपर से पढ़दे पांच नंबर पिले कौन अच्छी अलगू वाज नॉट रेडी टू हेल्प जमुन आंट एक्चुअली अलगू जमुन आंटी को हेल्प करा फाइनली रेडी नथिला हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट आफ्टर सी हैड लेफ्ट आंसर कौन हो जमुन आंट वर्ड्स हैड डीप इफेक्ट ऑन अलगू चौधरी लास्ट को हार्ट रो पशी हृदय जो इको सृष्टि कर स्पंदन सृष्टि कर कौन पाई जमुन रहा गुड़िक आंटी को जो प्रकार डीप करते अलगू हार्ट को जाता एंड हि फेल्ट सेड आ बहुत दुख अनुभव कर दो ओवर द ओवर वर्ल्ड तार कथबार्ता लास्ट एंडिंग मोमेंट रेकला एनी वे पे आम बढ़िया से बुझाई तुम कौन है ना हार्ड वर्ड गुड़ाक अच्छे पज करके लिखिद ठीक अच्छे सो स्टूडेंट्स आज आम सब जिन सर जाए एनिवे आम पार्ट वन को बहुत बढ़िया से बुझी गोटे बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग गल्पटा ठीक अच्छे तो एनिवे मुझे भावुँ तुम बहुत बढ़िया एंजय कर ठीक अच्छे आम पार्ट टू को धरिकी नेक्स्ट भिडियो धरिक आसवा बहुत बढ़िया से बुझा हार्ड वर्ड गुड़ाक मेनसन कर देती क्वेश्चन आंसर भी डिस्कसन कर देती एनिवे द टाइम इज केम वी हैव टू लिव ओके थैंक यू सो मच सब्सक्राइब लाइक शेयर बनता है बाय बाय।